अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स और उन शेप्स और ज्योमीज को किन थ्योरीज ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा होगा आपके सामने कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक थ्यूरी है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इसको हम नॉर्मली जो है वो सेपर भी लिख लेते हैं इसको कुछ लोग वेस्पर भी पढ़ते हैं इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं तो वेस्पर थीरी एक ऐसी थ्यूरी है जो कि मॉलिक्यूल की शेप और मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है उसको एक्सप्लेन करता है मतलब शेप जोमेट्री काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं तो ये वैलेंस बाउंड जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पल्शन थीरी है ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल और बाउंड एंगल जो है वो हमें बताती है इस थी की जो बेस है वो किस चीज़ पे है वो ये है इसने इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेस पे ही शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया इसने का आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर पे नेगेटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं ठीक है उस रिपल्शन की वजह से जो है वो एक स्पेसिफिक शेप आती है ठीक है उस शेप को हम मॉलिक्यूल की फाइनल शेप कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक इलस्ट्रेशन भी बनाई हुई है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन क्या होती है अगर आप फोकस करेंगे यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर बनाए हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन्स मैंने नीचे बनाए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स लॉन्ग पेयर्स भी हो सकते हैं बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं अभी बाद में डिस्कस करेंगे तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये ऊपर वाला पेयर एक इलेक्ट्रॉन का और नीचे वाला पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे को रिपेल करेगा जिसकी वजह से ये दूर होते जाएंगे और एक खास किस्म की ज्योमेट्री एक खास किस्म का एंगल एक खास किस्म की शेप जो है वो फाइनल स्टेट में आएगी जिसमें रिपल्शन मिनिमम हो मिनिमम होगी ठीक है और उस शेप को हम मॉलिक्यूल की फाइनल शेप कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू साइपर थ्योरी अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते क्या हैं इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बेसिकली देखा जाए इलेक्ट्रॉन तो पेयर दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनने वाला एक पेयर है अब चाहे ये पेयर भी हो सकता है मतलब वो वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो एटम्स के बीच में एज अ बाउंड है या ये लॉन्ड पेयर भी हो सकता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द एज अ स्पेयर uh, इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता तो इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर के दो नाम हैं दो तरह से हो सकते हैं बाउंड पेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स एज अ बॉन्ड एंड लॉन्ग पेयर क्या होता है वो वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि किसी भी सेंट्रल आइटम के अराउंड पड़ा होता है जो कि बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता अब यहाँ पे सपोज करें मेरे पास शेप को एक्सप्लेन करने के तीन चार केसेज हैं वो आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहला केस ये है कि आपके पास सपोज करें ये एक ए एटम है सेंट्रल आइटम है और ये दो डिफरेंट बी आइटम्स के साथ अटैच है ठीक है अब इनके बीच में एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड जो है वो ये है अब ये जो बॉन्ड है बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम बोलेंगे वन बॉन्ड पेयर इसको हम बोलेंगे सेकंड बॉन्ड पेयर ठीक है ना इलेक्ट्रॉन पेयर को अब ये जो बॉन्ड पेयर है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो इनकी जो शेप है वो ऐसे ऐसे चेंज होना शुरू हो जाएगी और एक खास शेप आएगी जहाँ पर जो ये रिपल्शन है वो मिनिमम होगी तो एटम या मॉलिक्यूल अपने आप को वहाँ पर स्टेबलाइज कर लेगा ठीक है तो वो जो शेप होगी दैट विल बी द फाइनल स्टेट ऑफ द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल वेयर देर आर मिनिमम रिपलशन तो इस तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं केस नंबर टू में अब केस नंबर टू में एक, एक एटम है सेंट्रल एटम अब उसके इर्द गिर्द बाउंड पेयर्स नहीं है बल्कि लॉन् पेयर्स हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो जो लॉन्न पेयर हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि लॉन् पेयर भी तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं उन पर भी तो चार्ज होगा तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जो है वो आपके पास वो जो लॉन पेयर उनकी भी शेप ऐसे जो है वो चेंज होगी और उस हद तक चेंज होती रहेगी जब तक उनके बीच में जो रिपल्शन वो मिनिमम ना हो जाए तो इसना ये भी अपने आप को रीअरेंज करेंगे इसरा एक केस ये आता है कि एक एटम है उसके साथ एक बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर अब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे ये तो ग्रीन कलर से मैंने शो किया दीज आर पल्शन और ये रिपल्शन इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और ये उस वक्त तक होती रहती हैं जब तक आपका जो बॉन्ड पेयर या लॉन् पेयर है वो एक स्पेसिफिक शेप में ना आ जाए जहाँ पे रिपल्शन जो है मिनिमम हो मतलब स्टेबल स्टेट ज़्यादा रिपल्शन होगी तो अनस्टेबिलिटी होगी ना तो इनस्टेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे आपका मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकता तो वो ऐसे करते हैं अपने आप को ऐसी स्टेट में लेके आते हैं जहाँ पर रिपल्शन मिनिमम हो और मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाए तो ये तीन केसेज हैं जिसमें आपके पास तीन तरह की रिपल्शन्स आती हैं बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर जो के, -के, -के केस, केस नंबर वन है इसमें बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन्स आ रही हैं दूसरे केस में रिपल्शन हैं लॉन पेयर टू लॉन्न पेयर रिपल्शन और तीसरा केस है आपके पास पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन अब कौन सी रिपल्शन सबसे ज्यादा है लॉन्ड पेयर टू पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा होती है या फिर आपके पास लॉन्न पेयर टू बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा होती है तो याद रखिएगा जो लॉन्न पेयर होता है ना वो बड़ा कंसनट्रेटेड होता है और वो एक ही वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही एटम के गिर्द जो है एक ही न्यूक्लियस के गिर्द अट्रैक्टेड होते हैं तो इस वजह से वो थोड़े से आजाद होते हैं लॉन पेयर जो है और जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में धंसे हुए होते हैं दैट्स वाई उनके ऊपर दो न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा अपना इफेक्ट शो नहीं करते तो यहाँ से मैं क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग पेयर ज्यादा शरारती होते हैं तो लॉन्ग पेयर जो है वो ज्यादा एक दूसरे को कर पहले करते हैं ज्यादा लड़ते हैं दैट्स वाई लॉन्ग पेयर टू लॉन्ग पेयर पल्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है उसके बाद जो बॉन्ड पेयर लॉन्ग पेयर टू बॉन्ड पेयर और लास्ट पर आती है बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर पल्शन तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर भी नीचे मेंशन किया है ये देखें सबसे ज़्यादा पल्स होती हैं लॉन्ग पेय टू लॉन्ग पेय और इसके बाद होती है लॉन्ग पेयर टू बाउंड पेयर और लास्ट पे वीक सी रिपल्शन होती हैं बाउंड पेयर टू बाउंड पेयर मतलब अगर ऐसा आपके पास मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें लॉन्ग पेयर टू लॉन्ग पेयर पल्शन हो रही हैं तो उसका एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ठीक है एज कम्पेयर टू ऐसा मॉलिकुल है जिसमें लॉन्ग पेयर टू बाउंड पेयर पल्शन है वो थोड़ा सा कम डिस्टोर्ट करेगा और जो बाउंड पेयर टू बाउंड पेयर है वो बिल्कुल कम डिस्टोर्ट करेगा क्योंकि इनमें रिपल्शन बिल्कुल कम होंगी तो आई होप आपको ये रिपल्शन का और बाउंड पेयर लॉन्ग पेयर और बाउंड पेयर लॉन्ग पेयर लॉन्ग पेयर लॉन्ग पेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा तो ये वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पल्शन थियरी है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह मोलिक्यूल्स की शेप को और बॉन्ड एंगल को ज्योमेट्री को जो है वो इफेक्ट करते हैं तो यहां पर वेस्पर के अकॉर्डिंग जो लॉन पेयर होता है वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड चार्ज होता है सेंट्रल एटम के गिर्द और जो बॉन्ड पेयर होता है वो लेस चार्ज होता है अराउंड द सेंट्रल एटम आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि लॉन्ड पेयर जो है वो सेंट्रल एटम के गिर्द ही होते हैं उसके ऊपर अटैच्ड एटम का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता लेकिन जो बाउंड पेयर होता है उसके ऊपर क्योंकि बाउंड पेयर जो है वो दो एटम्स के बीच में होता है तो बाउंड पेयर है ना तो वो क्या करते हैं दोनों एटम्स उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इस वजह से उनकी कंसनट्रेशन जो है चार्ज एज विद रिस्पेक्ट टू चार्ज वो कम होती है उसके बाद अब हम वेस्पर थीरी के अकॉर्डिंग जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं वेस्पर थी ने कुछ मॉलिकुलर शेप्स जो हैं वो बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन की हैं जो कि ए एक्स कुछ बुक्स में रेफर रेफर्ड है कुछ में ए बी है तो इस तरह हम यहाँ पे ए एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे तो वेस्पर थीरी ने कह दिया कि आपके पास ए एक्स एन मतलब ए जो है वो सेंट्रल एटम है ये ए की होगा एक्स जो है ये आपके पास अदर एटम्स हैं और एन जो है ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो करें सिंपल uh, से स्टार्ट करते हैं ए एक्स वन नहीं हो सकता और बहुत कम होते हैं बहुत रेयर केसेस हैं उनको तो हम एक्सप्लेन नहीं करते तो एक्स टू से हम स्टार्ट करते हैं ए एक्स टू में क्या है कि आपका सेंट्रल आइटम एक है उसके साथ जो है वो दो एटम्स हैं और दो एटम्स जो हैं उनके बीच में दो जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं बाउंड पेयर्स कह लें लॉन् पेयर्स कह लें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कह लें ज़्यादा बेटर है तो यहाँ पर आपके पास मैंने जो नीचे एग्जाम्पल दी हुई है ये सेंट्रल आइटम है बी ई सेंट्रल आइटम हमेशा लेसर इन नंबर होता है याद रखिएगा बी ई एक है एफ दो है तो एफ जो है वो साइड वाले आइटम्स और बी जो है वो सेंट्रल आइटम अब जो बी है इस मॉलिक्यूल के अंदर इसके पास जो है वो यहाँ पे देखें दो बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं ठीक है अब ये जो दो बॉन्ड पेयर्स हैं ये अपने आप को इस शेप में भी हो सकते थे जैसे मैंने ये ड्रॉ किया लेकिन इस शेप में ये स्टेबल ना होते क्योंकि ये बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर पल्शन होती और ये रिपेल करते 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 अपने आप को इस स्टेट में ले आते हैं जहाँ पर रिपल्शन मिनिमम है तो वो ये स्टेट बनती है जिसमें लीनियर शेप आती है तो अब हमारे पास बॉन्ड पेयर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या इलेक्ट्रॉन पेयर के कन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बी एफ टू की जो शेप है वो हमें वैल्न्ल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने इजीली एक्सप्लेन कर दी है इसकी शेप लीनियर होगी क्योंकि लीनियर शेप में जब आता है इसकी रिपल्शन मिनिमम होती है तो जब इस शेप में आ जाएगा इसकी रिपल्शन मिनिमम हो जाएंगे जिसकी वजह से ये होगा कि ये आपका मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर शेप में एग्जिस्ट करना प्रेफर करेगा लीनियर शेप में तो इसी तरह हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं एक्स थ्री अब जब हम एक्स थ्री की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो केसेस आते हैं वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास एक्स थ्री का थ्री का मतलब है कि थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स कि इसमें तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर दो कैटेगरी से हो सकते हैं कि एक तो ऐसा हो सकता है कि जो जितने भी तीन के तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सारे के सारे बाउंड पेयर्स हों और दूसरा केस ये है कि उसमें से दो बॉन्ड पेयर हो मतलब दो बॉन्ड पेयर्स हों और एक लॉन्ड पेयर हो ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स ए एक्स थ्री में एग्जिस्ट करते हैं तो नीचे मैं आपको और फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ये एक्स थ्री है जिसमें तीनों के तीनों जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं और एक्स टू ई का मतलब है वन लॉन पेयर इसमें वन लॉन पेयर होगा ठीक है और टू इसमें बॉन्ड पेयर्स होंगे तो इसके एग्जाम्पल्स मैंने नीचे मैंशन की है पहले हम एक्स थ्री जिसमें थ्री के थ्री जो है वो बॉन्ड पेयर हैं मतलब तीनों के तीनों जो है बॉन्ड पेयर हैं कोई भी लॉन् पेयर नहीं है तो एक एग्जाम्पल हमारे पास बी सी एल थ्री है और एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कार्बोनेट आयन आ जाता है और अगर हम एक्स टू पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर हम एक्स टू ई की तरफ चले जाएंगे अगर आप फोकस करें ये सेंटर में आपके पास बी है बोरौन है और इसके साइडों पर कलोराइड है अब ये शेप जो है ये अपने आप को ये तीनों के तीनों क्योंकि बॉन्ड पेयर्स हैं और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस शेप में आने की कोशिश करेंगे जहाँ पे रिपल्शन जो है वो मिनिमम त्रीन हों तो उस शेप को हम जो है वो फाइनल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे और वो हमारे पास आती है ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ये जैसे एक पंखा नहीं होता पंखा उसके तीन पार होते हैं और बिल्कुल प्लेन में होता है तो इस तरह से ये बी सी एल थ्री की जो है वो शेप आएगी एंगल वन ट्वेंटी का होगा यहाँ पे नीचे भी उसके बाद अगर सी ओ थ्री की बात करें तो सी ओ थ्री में भी आप अगर फोकस कर सकते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर कार्बन सेंटर में होगा ठीक है और ऑक्सीजन जो है वो तीनों साइडों पे होंगे और ये बाउंड क्योंकि इसमें भी तीनों के तीनों बाउंड पेयर्स हैं अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंसिडर करेंगे सर यहाँ पे तो डबल बाउंड है तो बेटा वैसेपर ने वेस्पर थी ने हमें एक चीज़ बताई है कि आपके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है आपने उसको सिंगल बॉन्ड ही कंसडर करना है ताकि आप इजिली जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटर्मन कर सकें क्योंकि शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर डिपेंड नहीं कर रही होती क्योंकि डबल सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये बॉन्ड लेंथ को तो इफेक्ट करते हैं लेकिन बॉन्ड एंगल को इफेक्ट नहीं करते और हम जो शेप होती है वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड नहीं करती वो बॉन्ड एंगल पे डिपेंड कर रही होती है तो इस वजह से हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग चाहे डबल बॉन्ड है चाहे ट्रिपल बॉन्ड है हम सबको सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे तो इसमें एक बॉन्ड पेयर ये है एक ये है और एक ये है अब सपोज करेंगे तीनों तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस शेप में आने की कोशिश करेंगे जहां पर रिपल्शन मिनिमम तरीन हो और वहां पर जो हमारा एंगल बनेगा वो वन ट्वेंटी का एंगल बनेगा और इसकी शेप भी पीसीएल थ्री की तरह होगी ट्राइगोनल प्लेनर और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा ax3, ऐसा ax3 जिसमें एक लोन पेयर हो और दो बॉन्डपेयेर हो उसको एक थ्री भी लिख सकते हैं लेकिन अगर आप एक्स टू मतलब दो बॉन्ड पेयर एंड ई e और एक लॉन्ग पेयर है मतलब ऐसा मोलिकुल आपने बताना है जिसमें एक लॉन्ग पेयर हो और दो बॉन्ड पेयर हो तो यहाँ पे आप फोकस करें एस ओ टू जो है इसमें एक लॉन् पेयर है और दो बॉन्ड पेयर हैं एक ये और एक ये दो बॉन्ड पेयर हो गए और एक लॉन्ड पेयर हो गया अगर तो ये लॉन्ड पेयर ना होता अगर तो ये लॉन्ग पेयर ना होता तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है लीनियर ठीक है क्योंकि फिर बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर ही रिपल्शन होती हैं और वो अपने आप को इस शेप में लीनियर शेप में कंसिडर कर लेते हैं लेकिन अब इसमें एक लॉन्न पेयर है अब इसमें पेयर टू बॉन्ड पेयर पेयरपल्शन भी हैं और बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर पल्शन भी हैं और आपको पता है लॉन्न पेयर टू बॉन्ड पेयर पल्शन ज़्यादा होती हैं इसलिए जो लॉन्न पेयर ऊपर पड़ा हुआ है सल्फर के वो बॉन्ड्स को ज्यादा आपस में कंडेंस कर देगा क्योंकि उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी इस वजह से मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर होने की बजाय मॉलिक्यूल आपका थोड़ा सा वी शेप्ड या बेंड शेप्ड होगा और इसका एंगल भी वन एटी की होने के बजाय वन नाइनटीन डिग्री पे आ जाएगा मतलब बैंड कर देगा उसे उसके बाद आगे अगर मूव करते हैं तो आगे वैसप्रथ्वी ने मेकोड मॉलिकूल का जनरल स्ट्रक्चर बताया जो कि होता है ए एक्स फोर अब एक्स फोर की तीन कैटेगरीज हैं एक्स फोर में क्या है कि सारे के सारे बाउंड पेयर्स हों मतलब सारे के सारे बाउंड हैं चार के चार बाउंड हैं या फिर ए एक्स थ्री ई तीन बाउंड हैं और एक लॉन्न पेयर है या फिर ए एक्स टू ई टू मतलब दो लोन पेयर्स हों और दो ही बॉन्ड पेयर्स हों ये तीन कैटेगरीज आ गई ए एक्स फोर के अंदर अब अगर मैं एक्स फोर की बात करता हूँ जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं तो सी एच फोर और सी सी एल फोर हैं इसमें कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है चारों के चारों जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं इस तरह अगर मैं बात करता हूँ ए एक्स थ्री ई की तो इसके अंदर नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है और तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर्स हैं या अगर फास्फोरस की बात की जाए पी एच थ्री तो इसके अंदर फास्फोरस के पास एक लॉन पेयर है और तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर्स हैं अगर मैं एक्स टू ई टू की बात करूं तो इसमें दो बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए और दो ही लॉन पेयर्स होने चाहिए तो इस, इसकी एग्जाम्पल आपके पास एच टू ओ है जिसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है इसके पास दो पेयर हैं और दो ही इसके साथ बॉन्ड पेयर्स हैं तो स्ट्रक्चर भी आप नीचे देख सकते हैं अगर तो हम ऑल बॉन्ड पेयर्स की बात करें तो अगर चार बॉन्ड पेयर्स हों और सेंट्रल आइटम के पास कोई भी लॉन्ड पेयर ना हो तो वो बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे को इस तरह से पहल करेंगे कि टेट्राहाइड्रल शेप आएगी और टेट्रा हेड्रल शेप में आपको पता है नॉर्मली एंगल कितना होता है 109 डिग्री का ठीक है टैट्रा शेप होती है क्या है आपके पास ट्राईपोड होता है ना जिसपे हम मोबाइल फ़ोन लगाते हैं तो ट्राईपोड उसके तीन पाओ और एक ऊपर आठ जिसके ऊपर हम मोबाइल लगाते हैं तो ये टेटरा स्ट्रक्चर होता है ठीक है इसमें मिनिमम रिपल्शन होती हैं अगर आप इसको सेंट्रल आइटम को इस तरह ड्रा करके इस तरह ड्रा कर लें तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होंगे और इसी तरह अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास जैसा कि एक लॉन पेयर हो और तीन बॉन्ड पेयर्स हों तो एक पेयर और तीन बॉन्ड पेयर से हमारे पास वो इस तरह से जोमेट्री आएगी क्योंकि अब ये जो लॉन्ड पेयर है ना ये इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा इधर से इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा और ये बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपेल रहे होंगे तो इस तरह एक स्पेसिफिक शेप आएगी जिसमें मिनिमम एंगल होगा हमारे पास बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर मैक्सिमम uh, एंगल होगा और मिनिमम रिपल्शन होंगी बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर लॉन्न पेयर टू बॉन्ड पेयर इस तरह तो हमारे पास इस तरह जो शेप आती है विद वन लॉन्न पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर्स उसको हम बोलते हैं ट्राईगोंदल पैरामिडल ये ऐसे ही है आपके पास ट्राई है लेकिन उसके ऊपर वाला रॉड नहीं है जिसके अंदर हम मोबाइल लगाते हैं तो इस शेप को हम बोलते हैं ट्राईगोंदल पैरा इस तरह अगर हम एच टू ओ की बात करें तो एच टू ओ के अंदर दो लॉन्ड पेयर्स हैं अगर ये दो लॉन्न पेयर्स ना होते तो एच टू ओ की शेप कुछ इस तरह से बिल्कुल लीनियर होती है ऐसे लेकिन इसमें अगर एक लॉन् पेयर होता तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाता है ऐसे अब इसमें दो लॉन्ग पेयर है जिसकी वजह से काफी ज्यादा बेंट हो गया ठीक है क्योंकि वो लॉन्ग पेयर लॉन्ग पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और एक फाइनल स्टेट ऐसी आती है ऐसा वेस्पर मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो लॉन्ग पेयर हों और दो ही बॉन्ड बॉन्डपेयर हों तो उसकी शेप बेंड शेप होती है और इस तरह से होती है जिसका एंगल वन डिग्री हो सकता है इस शेप को बोलते हैं वी शेप्ट या बेंड शेप्ट इसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं ए एक्स फाइव ये वो वाली शेप्स हैं जिसमें ज़्यादा बॉन्ड पेयर्स होते हैं हम इसको बॉन्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे इसके अंदर सारे के सारे जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं फाइव के फाइव बॉन्ड पेयर्स हैं आप देख सकते हैं कि सेंटर में आपके पास ये फॉस्फोरस है पी का स्ट्रक्चर है और फॉस्फोरस और एक इधर सी एक इधर सी एक इधर सी मतलब पंखे के परों की तरह तीन सी और एक ऊपर की तरफ सी और एक नीचे की तरफ सी तो इस तरह आपके पास एक ट्राईगोनल ये ट्राइगोन बन गया ठीक है ट्राइगोनल बाय पैरामिटल स्ट्रक्चर आता है एक ऊपर पैरामीटर बन जाता है इस तरह से एक नीचे पैरामीटर बन जाता है तो ट्राइगोनल बाय पैरामिटल स्ट्रक्चर आता है और इसमें जो एंगल है जो कि यहाँ पे है सी एल टू सी एल ये वन ट्वेंटी का होगा और जो इधर से सी एल टू सी एल है ऊपर से रॉड वाला और इस साइड वाला उनका नाइनटी डिग्री का एंगल होगा तो ये तभी होगा जब पाँच के पाँच ही बॉन्ड पेयर हों और कोई भी लॉन्ग पेयर ना हो तो हमारे पास ट्राइगोनल बाई पैरामिटल शेप आती है अगर हम आगे मूव करते हैं ए एक्स सिक्स तो इसमें क्या है इसके अंदर हमारे पास सिंपल आप देख सकते हैं कि सेंटर में एक आइटम है उसके पास सिक्स बॉन्ड पेयर्स है तो इसकी एग्जैंपल सल्फर है और एस एफ सिक्स है तो एस एफ सिक्स में आप देख सकते हैं कि इसके पास सिक्स फ्लोराइड्स हैं जो कि बॉन्ड पेयर्स की फॉर्म में उसके साथ अटैच हैं चार फ्लोराइड तो प्लेनर फॉर्म में जुड़े हुए हैं ठीक है जैसे एक पंखा है उसके चार पार हों ठीक है और एक ऊपर रॉड हो और एक नीचे भी रॉड हो तो ये जो शेप हमारे पास आती है इसको बोलते हैं स्क्वेयर ये हमारे पास स्क्वेयर आ गया स्क्यर प्लेन में है तो स्क्वेयर प्लेनर और यहाँ पे आपके पास बाई पैरामिडल भी हो सकता है ठीक है ये दो पैरामिडल तो नहीं हो सकते लेकिन हम इसको शेप को नाम देते हैं ऑक्टा हेडल क्योंकि इसमें आठ हेड्स होते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इस शेप को हम बोलते हैं ऑक्टा हेडल और इसमें जो एंगल्स हैं वो आपके पास ऑल के ऑल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं जितने भी एंगल्स हैं सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं चाहे वो ये वाला एंगल हो ठीक है चाहे वो ये वाला एंगल हो तो सारे के सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री के होते हैं अब ऐसे सिक्स के अंदर आपने देखा है कि आप कहेंगे सर सल्फर तो आइटम्स ऑक्टेट तो कंप्लीट करते हैं यहाँ पे सल्फर की अगर जो बात कर रहे हैं ये तो आपके पास यहाँ पे सिक्स बॉन्ड्स बना रहा है और सिक्स बॉन्ड में ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सल्फर के इर्द गिर्द बारह इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं इसके इर्द गिर्द तो होने चाहिए थे एट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए तो ये ऑक्टेट को भी एक्सटेंड कर गया तो ऑक्टेट को एक्सटेंड करने की रीजन ये है कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं पीरियड थ्री और पीरियड फोर्थ से ऑनवर्ड या इनके अंदर ही कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि मोलिकुलर मॉलिकुल्स की फॉर्मेशन के दौरान अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर देते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट ठीक है या इनको हम हाइपर वैलेंट ऐटम्स भी कहते हैं हाइपर वैलेंट ऐसे एटम्स होते हैं जो कि अपने वैलेंस शेल में बॉन्डिंग के बाद आठ इलेक्ट्रॉन्स की बजाय उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं अब सल्फर ने भी एस एफ सिक्स में कुछ ऐसे ही किया है कि इसने बॉन्ड 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 बना लिए हैं और में अगर आप पेयर्स की बात करें तो बारह इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं उन्हें तो आठ चाहिए थे तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि एस एफ सिक्स के अंदर जो सल्फर है वो हाइपर वैलेंट एटम है या एक्सपेंडेड ऑक्टेट है उसके बाद अगर आगे मूव करते हैं तो हाइपर वैलेंट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्यों होता है

एग्जाम्पल है यहाँ पे देख सकते हैं SO4 में यहाँ पे आपके पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहाँ पे भी सल्फर जो है वो बारह इलेक्ट्रॉन्स को सराउंड कर रहा है हाइपर है यहाँ पे नाइट्रोजन देख लें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यहाँ पे नाइट्रोजन के पास दस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी ऑक्ट्रेट को जो है वो इन्हेंस कर रहा है बढ़ा रहा है और यहाँ पे पीओ फोर के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो फास्फोरस भी यहाँ पे दस इलेक्ट्रॉन्स को अपने इर्द गिर्द अराउंड कर रहा है तो यहाँ पे सल्फर एसओ फोर के अंदर नाइट्रेट के अंदर और फास्फेट आइन के अंदर जो सल्फर नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं ये हाइपर वैलेंट आइटम्स है बिकॉज दे आर एक्सपेंडिंग देयर ऑक्टेट आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेके आ रहे हैं अब यहाँ पे एक समरी सी दी हुई है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेकर तो आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपके पास आ, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोर और सिक्स हों तो उसके अकॉर्डिंग उसने दिया हुआ है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास फोर हैं तो नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग पेयर्स दो होंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर कोई नहीं है तो वो दोनों को दोनों क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसकी शेप लीनियर होगी ये बी ई सी एल टू जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स हों तो बॉन्डिंग पेयर्स कितने होंगे थ्री बन जाएंगे और थ्री बॉन्डिंग पेयर्स अगर कोई भी लोन पेयर ना हो और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर ही हो तो आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनेगी जो कि मैंने आपको दिखाई बी सी एल थ्री की फॉर्म में इस तरह अगर आपके पास जो एटम है सेंट्रल एटम है उसके इर्द गिर्द आठ इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास आठ वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर क्या होगा फिर उसके केस में ये होगा कि तीन कंडीशन आ जाएंगी उसमें जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स हैं वो दो होंगे और एक लोन पेयर होगा ठीक है और टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग तीन हो जाएंगे इसी तरह दूसरा केस ये आता है ये उसने लिखा हुआ है इसमें आप कर लेते हैं ये जो पहला है इसका नाम होगा एक्स टू ई ठीक है ये जो होगा इसका होगा एक्स टू मतलब इस तरह से इनके ने नेम आ जाएंगे आप इसको ईजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं तो ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है उसी सारी के सारा जो ऊपर मैंने डेटा दिया था उसी को उन्हीं एग्जाम्पल्स के नीचे किया है अगर आपको कोई इसमें इशू होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसके बाद वर्किंग आउट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजी है वो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल्स भी गिवन है नीचे सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास जो सेंट्रल आइटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है और जो बाउंड्रल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपने सम कर लेना है फिर उनको सम करके उनके अंदर कोई चार्ज है तो उसने आप, आपने उस चार्ज को भी वन प्लस है तो उसके अंदर आपने प्लस कर देना है अगर माइनस है तो उसको आपने माइनस कर देना है और इन पूरे को आपने जब टू पे डिवाइड करना है तो आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना एग्जाम्पल देता हूं आपको यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट जीमेट्री ऑफ एनएच थ्री एनएच थ्री मोलिकूल करें तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आप कहेंगे कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने है? One, two, three, four, five, five, five हैं वन टू थ्री फोर फाइव पांच बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिया अब यहाँ पे कलोरिन की बजाय हाइड्रोजन होगा क्योंकि एनएच के अंदर हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन आइटम्स तीन हाइड्रोजन है तो हर एक हाइड्रोजन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ठीक है यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो तीन आपके पास हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स आ गए अब इन दोनों को सम करें तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आपके पास एक एट इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं इसको आपने टू पर डिवाइड कर देना ये जो पॉइंट मैंने बताया था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को सम करके टू पर डिवाइड कर दिया जब आप टू पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास फोर आंसर आएगा और वो जो फोर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ठीक है क्या है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अब आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज कर सकते हैं जिसमें से तीन आपके पास बाउंड पेयर आ जाएंगे क्योंकि आपने एट करने है ना तो तीन उसमें आपके पास जो है वो बाउंड पेयर्स हैं और एक उसमें आपके पास लॉन्न पेयर है तो इस तरह आपके पास जो ज्योमेट्री आएगी तो मैंने आपको बताया है कि ये ए एक्स थ्री ई है तो एक्स थ्री की ज्योमेट्री मैंने क्या बताई थी आपको आपको मैंने बताई थी ट्राइगोनल पैरामीडल मतलब इस तरह का इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा होगा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को भी अगर हम फोकस करते हैं इसमें हमारे पास है कि एन एच फोर प्लस वन पास नाइट्रोजन के पास होते हैं फाइव इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और यहाँ पे हाइड्रोजन एन फोर है ना तो एन फोर के अंदर चार हाइड्रोजन है और प्लस वन चार्ज है तो आप इसके साथ चार एक हाइड्रोजन इधर ले आएँ ठीक है एक हाइड्रोजन इधर ले आएँ एक हाइड्रोजन इधर ले आएँ और एक हाइड्रोजन इधर ले आएँ आए। तो अब उस ऊपर लिखा हुआ है प्लस वन अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें पाँच नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और चार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक है प्लस वन चार्ज इस प्लस वन चार्ज को हम किस तरह से करेंगे इस प्लस वन चार्ज को हम इन नाइन इलेक्ट्रॉन्स में से माइनस कर देंगे टोटल नाइन है तो माइनस वन कर देंगे तो आपके पास एट इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और जब आप एट को टू पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएगा क्या आएगा फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आप देखें चार हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इसमें से तो चार के चार जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं और अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हों और आपके पास इस शेप को हम बोलते हैं ए एक्स फोर तो एक्स फोर शेप होती है हमारे पास चारों के चारों बाउंड पेज के साथ टेट्राहेड्रल तो एन एच फोर का जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़